एक दिन तो जीन्स पहन के दिखा लो। थॉट कि वो हमारा वेट कर रहे होंगे बट हमें उनका वेट। Hi all and welcome to today's vlog. My name is Akanksha. I hope you all are doing good at home, safe and sound. फिलहाल बजे सुबह के 5, we are waiting for the cab. हम लोग रेडी हो गए हैं. हमारी फ्लाइट है वैसे 9 बजे की, बट हम सोचे कि हम पहले पहुंच जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे लाउंज में घुस जाएंगे तो हम लोग का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा पहले निकल रहे हैं. फिलहाल मुझे लग रही है कस के भूख, सो आई वांट टू ईट अ बाउली फर्स्ट, बिकॉज जैसे ही भूख लगती है वैसे ही हमको सर दर्द होने लग जाता है. अभी आने वाली है 5 मिनट में, सो जितने जल्दी हो पाए लेट्स लीव, ताकि आराम से वहाँ बैठ के ना खाना खा सके. आई डोंट वांट टू रश एंड हैव फूड देयर. मेरे दो बैग्स एंड ही एज यूजुअल पैंट्स नहीं पहन रहे हैं. एक दिन तो जीन्स पहन के दिखा लो. उसके अलावा उसका सेट है, जस्ट बिकॉज ऑफिस एज अ यूनिफॉर्म, नॉट अ यूनिफॉर्म बट ऑफिस इज लाइक यू हैव टू वेयर लाइक थोड़ा ढंग का कपड़ा, तो बस उसलिए वो जीन्स पहनता है, वरना उसको कोई शौक नहीं है फुल कपड़े पहनने में. अभी भी ऐसे ही जा रहे हैं और हम जा रहे हैं ऐसे लाइक कुर्ता पजामा और अभी हील्स, अभी हम इतना कुछ पहनेंगे ठीक है, और वो हाईली अंडर ड्रेस्ड, हम हाईली ओवर ड्रेस्ड. यहाँ से ऑल पैक्ड. प्रिया अब घर तुम्हारे हवाले, खुश रहो आबाद रहो. गर्मियाँ आ रही हैं एंड रिसेंटली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन्स दैट्स देयर इन द मार्केट, बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट टैन स्किन. सो बेसिकली टैन स्किन इज कॉज्ड बाय अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज मेलेनिन, एंड द मेलेनिन प्रोडक्शन यूजुअली अकर्स इन अ हेयर और इन द स्किन. External products can help us improve the glow, but internally we need to reduce the production of melanin in our body. For this, we actually have a magical ingredient in our body, which is called as a glutathione, which actually reduces the melanin production in the body, helps us reducing the dark spots and helps us to get a brighter skin. However, researchers say that as we grow old, the production of glutathione reduces in our body. And to boost the production of glutathione in our body, we need to have good food included in our diet. As in, we need to have milk, we have to have cauliflowers, broccolis, eggs, etc. or even a glutathione supplement, which is also 100% vegetarian. So today, I'm going to talk about the Pure Nutrition Glutathione, which is a unique supplement which is made up of clinically tested L-glutathione and hyaluronic acid and exotic herbs such as saffron, turmeric and rosemary, making this an excellent choice for those who look forward to support their healthy skin. Saffron is known for its skin brightening properties. Turmeric help prevent skin conditions like acne and premature wrinkles. Rosemary, another ancient herb, is known for its skin lightening properties. It helps improve skin complexion, reduces dark spots and blemishes, and improves the overall skin health. In addition to these ancient herbs, this supplement contains modern ingredients like hyaluronic acid, grapeseed extract, and vitamin C, which help promote skin moisture, collagen synthesis, and protect skin cells from stress and free radical damage. If you want to try this product, I'm going to mention the link of the product in the description. Do check it out. And now let's go continue this vlog. वैसे ना मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ अभी जाने के लिए. अभी मैं से पूछ ही रही थी कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने निकलेंगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम है वहाँ पे, हम कभी नहीं गए हैं. प्लस रांची में हमेशा ना ऊपर से देखे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे प्लेन से ही देखे हैं कि हाँ अच्छा लैंड होने वाले हैं, फिर वहाँ से टेक ऑफ मारा है, बस इतना ही किया है एज अ क्रू. तो हाँ देखो कहाँ कहाँ हम लोग घूमने निकलेंगे, प्लस फर्स्ट टाइम ससुराल भी जा रहे हैं. ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच द एयरपोर्ट और अभी मैंने पूछा कि हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, मतलब T1 से या T2 से, इसलिए हमको भी नहीं पता. मैंने अभी देखा हम लोग का T2 से है ठीक है, एंड आई एम हैप्पी बिकॉज T2 बिकॉज पहले खुला है एंड जब तक वो खुला तब तक मैंने जॉब छोड़ दिया था, तो मैंने अभी तक ना T2 देखा नहीं था. एंड सो डेस्परेटली वॉन्टेड टू सी हाउ T2 लुक्स बिकॉज इतना तारीफ सुना है मैंने उसके बारे में. येस वी आर गोइंग फ्रॉम T2. बोटा सब कैमरा पे तुम ऐसे देखते रहोगे और थोड़ा सा तुम बोलो हाँ यार बहुत मजा आया ऐसे. लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा. भाई साहब दिस एयरपोर्ट इज एक्चुअली रियली प्रिटी, इतना बड़ा इतना सुंदर बना हुआ है ऐसा हम सोचे ही नहीं थे. We
हैड आवर ब्रेकफास्ट, ऊपर गए थे हम लोग लाउंज वाउंज में. खैर हम लोग का एक्सेस भी नहीं था, वो सिर्फ विस्तारा बिजनेस क्लास एक्सेस लाउंज था, ऐसा कुछ कुछ था. बट हाँ, सिंस इट वॉज नॉट ऑपरेशनल, हम लोग को पहले तो एक्सेस नहीं मिल रहा था, फिर पैसे देके हम लोग को घुसना पड़ा. एंड यस, वी डिड सम शॉपिंग भाभी के लिए, जिनका रिसेप्शन हमारे साथ है उनके लिए हमने कुछ कुछ सामान ले लिया यहीं से. एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स आवर गेट्स बिकॉज बोर्डिंग का टाइम हो चुका है. पहुंच गए हैं हम रांची. 2.5 घंटे का सफर था, अच्छे से कट गया. नाउ टू कलेक्ट आवर बैग्स. ही इज नॉट हियर. वाह, ये अच्छा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ड्राइवर ही गायब है. ही इज ट्राइंग टू कॉल द ड्राइवर. आई थॉट कि वो हमारा वेट कर रहे होंगे, बट हमें उनका वेट. अरे भाई मोटा, यहाँ सही में गर्मी है यार. मम्मी हमको पहले ही फोन करके बोली थी कि हाँ पहले बता दो यहाँ पे क्या हालत है क्या नहीं है. यहाँ डर्मी कूल खरीदना होगा मोटा. गर्मी यहाँ तो सही में पता चल रहा है कि गर्मी है. बैंगलोर कुछ भी नहीं है, कितना अच्छा सुहाना है वहाँ पे. एकाएक मतलब हार्डली वी स्टूड आउटसाइड फॉर लाइक 5 मिनट्स एंड बहुत गर्म है, बहुत गर्म है. और हम लोग का प्लान भी लंबा है तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट. मोस्टली हम लोग को ऐसे ही घूमना पड़ेगा. पर धूप ताप लेने ता पड़ेगा. ठीक बाबू ठीक. वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच हमारे घर. मैं भी बोल रही थी अभिनीत के घर, फिर मुझे याद है मेरा भी घर है. अब ये कौन सा चौक है वैसे? ये है करम टोली चौक. तुमको अभी तक नाम वाम कैसे याद है? अरे मेरे को सब याद. झूठ मत बोलो, तुमको कुछ याद नहीं है. कल किसी को बोल रहे थे हमको खाली कौन से कोने में कौन सा खाना मिलता है उस हिसाब से हम जगह का नाम याद रखते हैं. सब याद. कौन कौन सा होटल है तुम्हारा फेवरेट? देखो कावेरी होटल बहुत अच्छा है, देन कृष्णा अच्छा है, देन हॉट लिप्स करके एक होटल है थोड़ा बाहर जाके. लेट्स से इफ यू हैव टू गो आउट थोड़ा ड्राइव, हैव अ ड्राइव एंड हैव फूड, दैट्स अनदर होटल. या देन देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल पॉकेट्स जहां पे अच्छा वो मिलता है. ओके, द थिंग ऑल्सो इज हमने ना किसी को नहीं बताया कि हम रांची आए हैं, तो अभी एक्चुअली मम्मी पापा सब सरप्राइज होने वाले हैं. वो अचानक से चला अंदर. पापा तो खैर अभी यहाँ नहीं है, ही इज एट द कोर्ट, बट मम्मी होने वाली है घर पे. टेन मिनट्स लेटर. हो गया हम लोग का कट्टा. सोचे थे हम लोग सरप्राइज, प्रिया बोल रही थी लेकिन आप पहुंचेंगे, पता चला आप ही को सरप्राइज मिल गया. आंटी गई कोई बैंक वैंक एंड शी इज नॉट हियर एंड हम लोग बाहर खड़े हैं. बेहतरी टिका दिए हैं सारा सामान को एक के ऊपर एक. आंटी को आने में 15 मिनट है, तो हम लोग अब यहीं पे अपना गुजारा करेंगे. सोचे थे हम सरप्राइज देंगे. हम सोचे ऐसे सरप्राइज नहीं करें तो धप्पा करके सरप्राइज करें. आके एकदम खुश हैं अपने घर पे. हैं बाप रे बाप, हमको थोड़ा सा थकान सा हो गया. आते ही मम्मी शुरू. हम आए थे आपको सरप्राइज करने के लिए, हम लोग बाहर खड़े होके खुद सरप्राइज हो गए. यहाँ से वैसे एंट्रेंस है, मतलब अभी मैं घर देख रही थी यहाँ से एंट्रेंस है, तो यहाँ पे इतना बड़ा पर्दा लगा हुआ था. मैं पूछा कि यहाँ पे इतना पर्दा क्यों लगा, तो आंटी बता रही है कि पापा है ना, ये पूरा रूम उनका है. यहाँ पे देख रहे हो इतने सारे बुक्स हैं भाई साहब, इसमें से एक भी हम पढ़ लिए ना तो हम बहुत ज्यादा एडुकेटेड हो जाएंगे. ऐसी दिखती लाइब्रेरी अंदर से. सो पापा इज अ लॉयर एंड एज यू सी बहुत 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 सारे तरीके के बुक्स है. ये पूरा उनका लाइब्रेरी बना हुआ है भाई साहब. मोटा लाइक ही हैज टू स्टडी नाउ ऑल्सो लाइक एवरी टाइम. वो देखो वहाँ पे ऐसे क्राइम्स 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 लिखे हुए बुक्स हैं. खो जाएंगे अगर इसका लाइब्रेरी बन गया तो. ये डैडी के कोई क्लाइंट है लगता है. इतना सारा आलू दे के गए ना, किसको जगह रखने का जगह ही नहीं है. में गिफ्ट हम लोग को बहुत मिलता है. अनिमा कुमारी अब मॉडल अभिनीत कुमार. अरे बाप रे, तुम हो मम्मी ने बनाया है पूड़ी आलू का सब्जी ऐसे करेला. ऐसे उनको पता नहीं था हम लोग आ रहे थे, करेला का भुंजी भी बना हुआ है. खुश मम्मी का हाथ का खाना खा के सब ये दिस इज समथिंग एवरीवन विल रिलेट. माँ के हाथ का खाना
उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। हम आगे अपने रूप में I've come in my pajamas एंड टी शर्ट इसका ढाप लिया मैंने फिर से। और अभी अभी वैसे पापा कोर्ट गए हुए थे तो उनको फ़ोन किया था मैंने, तो आई थिंक वो कोर्ट में थे तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अभी उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपके लिए कुछ भेजा है घर पे, तो आप जाएंगा तो मतलब तू क्या बोल रही है जब जब पहुँचेंगे आपको मिल जाएगा तो आप फ़ोन करिएगा, बता दीजिएगा कि आपको मिल गया। तो एकदम खुश हो गए, तो अभी एकदम रफ्तार से आ रहे घर, उनको पता चला कि हम लोग आए। चलो ठीक है, मम्मी को हम लोग सरप्राइज़ नहीं दे पाए, पापा पे ही ट्राई कर लेंगे। अरे 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 हाँ कुजूर कैसे? अरे प्रणाम प्रणाम। अरे हमारी बच्चा कैसे आप? चार बहुत मस्त। चलो कम ऑन। ये हम लोग के शादी में एक तो डांस हुआ था जो मेरी सासू जी की थी, अभी नींद उनको फिर से कराने लगा। आगे आगे का स्टेप पॉइंट ये है ना कि मम्मी सीख रही थी साथ में अभिनीत भी सीख लिया, अभी इन लोग दोनों प्रैक्टिस कर, फिर से डांस नहीं होने वाला है। गाना कौन सा था? हे सुभा। अच्छा सुभा। ये वाला भी है। चलना मैं तगड़ी बस 3:30 मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे 3:30 बज रहे हैं, हम लोग ने खाना वाना खा लिया, अब मैं हो गई हूँ रेडी। हम लोग जा रहे हैं नानी जी के घर, एज इन अवनीत के नानी के घर, और मामा जी का भी घर है वो। तो अभी हम लोग बस यहाँ से निकले हैं, आई थिंक कुछ देर में पहुँचेंगे समवेयर नियर हरमू। या हमको कोनो आइडिया नहीं है, बट हम बहुत खुश हो रहे हैं खाली कि बस बाहर निकले। एंड आफ्टर गोइंग यू नो मीटिंग देम, हम लोग वहाँ से आगे आज वेन्यू भी जाने वाले हैं, सो दैट वी कैन गो एंड सी हाउ द वेन्यू लुक्स। बाकी सब तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। आइसक्रीम लेना है रास्ते से, याद रखना। तो ये लेते हैं। सर कुछ ज़्यादा ही दुख रहा है, पता ही सुबह से जब से निकले तब से ही दुखे जा रहा है। सैराडॉन लिया है, काम कोनो काम नहीं कर रहा है। गर्मी इतनी है कि काम नहीं कर रहा है। ब्लॉग में अगर कैमरा में दो लोग हैं तो दोनों का बोलना जरूरी है, तो ऐसा आदमी सुनेगा कैसे? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक बार में एक ही आदमी बोलेगा तब ना सब। ओके, व्लॉग में जैसे कॉन्वर्सेशन होता है, तुम हम कैसे बात करते हैं नॉर्मली? नहीं बट अभी तुम उधर बात कर रहे हो, मतलब तुम सोचो तीसरा पर्सन हमको देख रहा है बस बात करते हुए। बात तुम हमसे करो ठीक, और फिर हम लोग बात करें। बात कोई बात नहीं, ऐसे जब कैमरा ऑफ रहता है ना तब तो बस बहुत बात रहता है करने को। ठीक है, हम जैसे ही कैमरा खोलते हैं फिर कुछ ही। अरे बाप रे, हमको डबल चिन आ रहा है, बाप रे। बाप रे बाप, मेरी है जानती हो, इसको ऐसे करके हाथ से छू के स्मेल ना लगे। कौन सा वाला? ये वाला। अरे बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट। हाँ ये तो बहुत सुंदर है, मतलब हेल्दी भी है और बहुत फायदेमंद है। मेरी मम्मी देख ली ना, सही में चोरी कर लेगी, यहाँ मत भुलाइएगा उनको। अरे वाह, बाप रे बाप, कलेक्शन है आपका। इनसे मिलिए, ये यही है जिन्होंने नानी को पूरा वो डिस्क्लेमर दे दिया कि हम लोग पहुंच गए। कहाँ करोगे चुप के? अभी हम लोग आए अपना वेन्यू देखने के लिए कि यहाँ पे एक्चुअली वी आर थिंकिंग कि आउटडोर हम लोग का वेन्यू रहेगा, और यहाँ पे कुछ कुछ टेबल्स वेबल्स लगेंगे, तो यहाँ पे अभी सेटअप होना बाकी है। तो मैं, पापा और अभिनीत आए हैं, और पापा वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, अभिनीत अंदर का इंस्पेक्शन देख रहा है। एंड यस, ये जगह भी सुंदर है यार, मतलब प्लस बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे ना अभी बहुत मध्यम सा मौसम हो के रखा है, सो इट्स गोना बी लाइक, अगर ऐसा ही रहा ना तो आउटडोर इवेंट करने में मज़ा ही आएगा। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, रियली लाइक्ड इट।
कि मुझे हो गई है सर्दी और मैं तबीयत ठीक नहीं है। कल सुबह सुबह हमें निकलना है वाराणसी। देखो कल का प्लान कैसा होता है कैसा नहीं, बट यस अभी तक तो यही प्लान है कि हम लोग कल वाराणसी निकल रहे हैं। बट आज का दिन बहुत अच्छा था, यहीं पे आज का दिन एंड करते हैं। कल का दिन देखते हैं हाउ यू नो टायरिंग और हाउ अमेजिंग इट गोज। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।